हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ? मैं चुनेगा फिर से आपका स्वागत है। आज किस वीडियो आपसे बात करें, यदि आप वीवो का T2 या T2X डिवाइस यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपको गूगल डायलर देखने को मिलता है, तो इसे आप किस तरीके से रिप्लेस करके यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसको इनेबल कर सकते हैं। इसके अंदर गूगल डायलर है, जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो सामने वाले को पता चल जाता है, और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आप इसे बिना किसी रूट के, बिना किसी पीसी की मदद से ईजिली इस डायलर को ना रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। 101% वर्किंग ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप यहां पर इस डायलर को रिप्लेस कर पाओगे, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी इनेबल कर पाओगे। यदि आपके डिवाइस के अंदर डायलर रिप्लेस हो जाए, उसके बाद ही वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि इनेबल हो जाए उसके बाद ही कमेंट करना है, और उसके बाद ही आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। सेटिंग्स के अंदर आइए। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है फ्रेंड, एक ऐप्स नाम से। सिंपली ये जो ऐप्स नाम वाली सेटिंग है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे सेटिंग्स के अंदर आ जाते हो, कुछ इस तरीके का विंडो आप लोगों के सामने ओपन होगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे, लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट डायलर, ये जो ऑप्शन है आपके डिवाइस के अंदर आ चुका है लास्ट वाला। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इनेबल अल्टरनेट फोन एंड डायलर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ चुका है। सिंपल आपको इस पर ओके कर देना है, और ओके करने के बाद यहाँ पर एक बार और वापसी ये मांगेगा डिफॉल्ट सेट के लिए, तो इसको आपको ओके कर देना है। अभी ये बोल रहा है रिप्लेस गूगल डायलर विद द ऑन योर फोन होम स्क्रीन है, तो ये कह रहा है आप गूगल डायलर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अब सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सेट नाउ कर देना है। अब ये हमारा सेट हो चुका है। अब ऑप्शन आपके सामने आएगा, एक नंबर फोन है, दो नंबर देखिए सिस्टम डिफॉल्ट है, आपको सिंपली सिस्टम डिफॉल्ट है इस पर क्लिक कर देना। अब आपका जो डायलर है वो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी भी आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप इसके अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर वाला ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो चुका है। ये ऑप्शन सेलेक्ट होने के बाद अभी हमें डायलर को फाइंड करना होगा, उसके बाद डायलर के अंदर कुछ सेटिंग्स वगैरह हमें करनी होगी। तो अभी देखिए यहाँ पर गूगल का डायलर था, यहाँ पर देखिए वीवो का खुद का डायलर आ चुका है। मैं नंबर्स वगैरह हाइड करूँगा, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी मैंने विंडो ओपन किया इसका, और यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट एपीके भी आ चुके हैं। तो कॉन्टैक्ट एपीके मैं यहाँ पर ला कर छोड़ देता हूँ, और मैसेंजर एपीके को यहाँ से हटा के यहाँ पर कॉन्टैक्ट डायलर, ताकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ये वीवो का ऑफिशियल डायलर आ चुका है। अभी देखिए ऑफिशियल डायलर और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब आपको जो यहाँ पर डायलर है इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक बार पहले मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग करके चेक करा देता हूँ, 1-9-8 पे कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है आया है या नहीं आया, और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इजीली डिवाइस के अंदर इनेबल हो चुका है। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए फ्रेंड आपको कुछ सेटिंग्स अपने डिवाइस के करनी होगी। सबसे पहले ऊपर में देखिए आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉल सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, सिंपल कॉल सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा आपको 4 नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉल रिकॉर्डिंग, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड आल कॉल ऑटोमेटिकली, तो 2 नंबर ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सारे कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे, और आपके डिवाइस के फाइल मैनेजर के अंदर सारे कॉल रिकॉर्डिंग सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड आप T1 या T2 या T2X के अंदर जो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं।